बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक प्रूव करेंगे। प्रूव है वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। इसको हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल ये वाली है, ये एक ट्राइंगल है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी। और ये जो ए के सामने वाली साइड है इसको हमने नाम दिया स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को नाम दिए स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड को नाम दिए स्मॉल सी। और ये इधर 90 डिग्री का एंगल मार रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम होता है। तो अब हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राइंगल में से हम देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है। ये जो जहाँ एंगल बनता है इसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये बराबर है स्मॉल सी के। तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल सी। ये बन जाएगा स्मॉल सी और इसका स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू। इसी तरह परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर जे वाली सीधी लाइन है और जे बराबर है स्मॉल ए के। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर स्मॉल ए के बराबर है और इसका बन जाएगा ऊपर ये स्क्वायर प्लस बेस। बेस क्या होती है? जे वाली जो लाइन है ये, इसको हम कहते हैं बेस, और जे बराबर है स्मॉल बी के। तो इसका मतलब है बेस की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल बी और इसका बन जाएगा स्क्वायर। तो ये हमने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया। अब हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने करना है कि वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो ये हमने प्रूव करना है। तो कॉट थीटा और कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होते हैं? तो कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा ये बराबर होता है बी ओवर ए, उसके बाद कोसिकेंट थीटा ये बराबर होता है सी ओवर ए। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हमें सी के नीचे भी ए चाहिए और बी के नीचे भी ए चाहिए। इसका मतलब है हमें इनके नीचे ए की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ए स्क्वेयर के साथ। तो इधर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई ए स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम ए स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे। सी स्क्वेयर को भी डिवाइड करते हैं ए स्क्वेयर के साथ इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर डिवाइडिंग बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर। तो इनको हमने डिवाइड कर दिया ए स्क्वेयर के साथ। उसके बाद ये है सी स्क्वेयर और ये है ए स्क्वेयर, इसका मतलब है दोनों टर्म का स्क्वेयर है। तो इसको हम एक स्क्वेयर में लिख सकते हैं। ये बन जाएगा सी ओवर ए इसका होल स्क्वेयर। अगर हम इसको ओपन करें तो यही बन जाएगा सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर इज इक्वल टू। इसी तरह ये बन जाएगा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, तो ये वन आ जाएगा प्लस इसको भी हम एक स्क्वेयर में लिखते हैं। ये बन जाएगा बी ओवर ए और इसका स्क्वेयर। तो ये हमने इसको एक स्क्वेयर में लिख लिया। उसके बाद ये सी ओवर ए किसके बराबर है? सी ओवर ए बराबर है कोसिकेंट थीटा के। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कोसिकेंट थीटा। सी ओवर ए ये आ गया कोसिकेंट थीटा और इसका स्क्वेयर बन जाएगा इज इक्वल टू, ये वन आ जाएगा प्लस बी ओवर ए किसके बराबर है? बी ओवर ए ये बराबर है कॉट थीटा के। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कॉट थीटा और इसका बन जाएगा ऊपर स्क्वेयर, ये आ गया। ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा, ये आ गया। और या इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो ये हमें जो प्रूव दिया गया था कि प्रूव करें वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, तो ये हमने प्रूव कर लिया। इसको नीचे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये इसका प्रूव हो गया।